So guys, अभी मैं रेडी हो गई हूँ. पीछे वहां पर पता नहीं क्या चल रहा है और अभी मैं आपको जल्दी से मेरा लुक रिवील करती हूँ. So guys, आज ही मेरा लास्ट दिन जयपुर इंडिया में और कल मेरी फ्लाइट है कोरिया के लिए. और आज ना बहुत सारा काम है और मम्मी ने ना बेड के ऊपर उनकी राजस्थानी पोशाक रखी है, जो कि जब मम्मी जवान हुआ करती थी ना तब उनकी साइज मेरी तरह हुआ करती थी ना, वो वाली पोशाक है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो वाली भी ट्राई करें. तो ये रहे वो कपड़े और यहाँ पर रही ज्वेलरी, चांदी की जो प्रॉपर राजस्थानी ज्वेलरी होती ना वो वाली है यहाँ पर. तो आज के ब्लॉग में हम कुछ राजस्थानी कपड़े पहनेंगे और उसके बाद में मुझे शॉपिंग करनी है, कोरिया के लिए पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम करना है. जल्दी से तैयार होते हैं हम. इसको पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन सबसे पहले ये वाला ही पहनते हैं, फिर इसके ऊपर ये वाला जो बनियान जैसा होता है ना स्लीवलेस, ये वाला पहनते हैं. ये रहा घाघरा, मुझे सर्दी लग रही है तो मैं इस पैंट के ऊपर ही पहन लूंगी. और अभी यहाँ पर नाड़ा बांधते हैं. I'm ready. Of course, चुन्नी भी पहननी है लेकिन ये मम्मी पहनाएगी क्योंकि मुझे पता नहीं कि कैसे इसको ओढ़ते हैं. मम्मी ये चुन्नी पहना दो. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज. सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. जेवर क्या होता है? इसको बोलते हैं बाजू. बाजू इसके ये आती है लटकन लगाएंगे, इनको बोलते पोंची. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनसे. अभी हम ये सारी ज्वेलरी पहनेंगे. ये है शिशपुल. शिशपुल यहाँ पहनते? मुझे क्या पता. शिशपुल यहाँ पहनते, यहाँ पहनते तो पता होना चाहिए ना बेटे. इसमें मेरे डोल रिक्शा वाले और भी सुंदर लगेंगे. चूड़ी. अभी पापा का रिएक्शन पूछते हैं. कैसे लग रहे? सुंदर लग रही ना. So guys, अभी मैं रेडी हो गई हूँ. पीछे वहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है और अभी मैं आपको जल्दी से मेरा लुक रिवील करती हूँ. अभी हम छत के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ रील वगैरह मस्त वाली फोटो खींचते हैं. ये रही छत. आंटी जी क्या खा रहे हो? सभी का काल जा. So guys, अभी आंटी जी हमारे लिए चाय लेकर आए थे और चाय पीना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे. ओके, गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक. प्लीज बताना कैसे लगा. मैं पहली बार ऐसे ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़े और ज्वेलरी पहन रही हूँ और मेरी आदत नहीं है, काफ़ी हैवी है. और बाय द वे जो इयररिंग्स थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी तो इसीलिए हमने ऐसे ही हैंग करके रखी है. लेकिन कोई बात नहीं, चलता है चलता है. गाइस प्लीज़ कमेंट में बताना मेरी फैशन कैसे लग रही है आज. इनसे मिलोगे मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में है ना. हाँ, टाइम बाद में मिल रहे हैं. टाइम बाद में मिल रहा है. ये ऊपर एक और मनोज, इतना भी ऊपर नहीं जाना था. देखो बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है. यहाँ पर पीछे का सुंदर नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया. सब हेलीकॉप्टर को पॉइंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों. पॉइंट नहीं कर रहे हैं, कल यहाँ पर चिड़िया उड़ जाएगी. हाँ, इतना पोल्यूशन दिख रहा ही नहीं है हेलीकॉप्टर कैमरा में. हाँ, हो रहा. और ऑफ कोर्स बिना कुछ अजीब गरीब डांस करे हुए मेरा वीडियो अधूरा लगता है तो हमने बहुत सारा डांस करा. डबली बजा धीरे धीरे से चुराने. लिरिक्स चेंज हो गए. राजस्थानी होकर घूमर पर डांस नहीं किया तो क्या किया. फिर मैंने भी ट्राई करा लेकिन मेरा पोपट हो गया भाई ये. तो गाइज अभी मैं ना मेरा आउटफिट वापस चेंज करूंगी. मम्मी कुछ ब्लैक कलर के लहंगे लेकर आई थी तो वो वाले ट्राई करेंगे. और हम जाने वाले कहाँ पर जाएंगे? पत्रिका गेट. पत्रिका गेट तो मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ. बाय. अभी हम पहुँच गए हैं कहाँ पर? पत्रिका गेट. वो वाला है, वो वाला है. और ये रहा मेरा आज का लुक लहंगा और ये वाला ब्लाउज आंटी जी का है. तो ये रहे मैचिंग के इयररिंग्स. सजदे में यूं ही जुड़
ये वाला आउटफिट लगा या अच्छा लगा, या पहले वाला जो राजस्थानी पोशाक थी ना वो वाली अच्छी लगी? अभी हम मस्त मस्त शॉट कर रहे हैं इस ड्रेस के साथ, इतने सुंदर आ रहे हैं, इतने सुंदर, आपको क्या बताऊं। और अगर आप इनको फॉलो करना चाहो तो यहाँ पर रहा इनका आईजी, ये रहा, तो गो फॉर इट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम रेडी हो रहे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, 10 बजे फ्लाइट है रात की, और यहाँ पर आंटी जी मुझे बाय बाय बोलने के लिए आए हैं, और हमारा लगेज भी तैयार हो रहा है। अभी हमारा लगेज गाड़ी के ऊपर लगा रहे हैं। बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ध्यान रखना, बाय। मम्मी एयरपोर्ट पहुँच गए। हाँ जी, बाय मम्मी, ध्यान रखना, जल्दी मिलकर। और ये रहा हमारा मुंग मुंग जी। अब मेरी शक्ल पर मत जाना, मैं लगभग एक दिन का सफर कर फाइनली घर पर पहुंच चुकी हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया जाऊंगी ना तो मैं मुंग मुंग को जरूर लेके जाऊंगी। अभी मैं इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रही हूँ, और ये अकेला नहीं था, आप चिंता मत करना। जब भी मैं कहीं पर जाती हूँ ना तो इसको देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जो प्रॉपर जगह होती है ना वहां पर मैं उसको छोड़कर आती हूँ, जहाँ पर पता नहीं दिन के आई थिंक 2 या 3 3000 रुपए लगते हैं एक दिन के। तो मेरा सबसे बड़ा खर्चा होता है मुंग मुंग का। हाँ, मैं तेरी बात कर रही हूँ मुंग मुंग। मम्मू ने अभी दही खाया है तो इसकी वजह से इसके पूरे बाल ऐसे गंदे हो रखे हैं, यहाँ पे सफेद सफेद। पता नहीं क्यों इस बार ही मेरी फ्लाइट में तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, तो उसकी वजह से मैंने एयर हॉस्टेस से जो मेडिसिन होती है ना पेन किलर, वो वाली मांगी, और जैसे फ्लाइट कोरियन एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो मेरी तबीयत और भी खराब हो गई, और मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैंने सोचा कि चलो आज मैं एयरपोर्ट पर ही सो जाती हूँ, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था। मतलब पता नहीं क्यों मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, मुझे इतना बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तो आपको अपने आप का ध्यान रखना पड़ता, कोई और नहीं होता आपकी मदद करने के लिए, आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए। फिर बाद में मैंने एयरपोर्ट से और दवाई ली, और दवाई खाई, और उसके बाद में फाइनली मैं बस लेकर घर पर आ गई, इसीलिए मेरी शक्ल थोड़ी अजीब गरीब लग रही है अभी। ये वाले कुछ गिफ्ट्स है जो कि कोरियन स्किन केयर और ब्यूटी कंपनीज होती है ना, उन्होंने मुझे सेंड करा है। क्या हुआ मोंगमोंग, यहाँ पर बैठेगा? ओके, तू भी देख ले मोंगमोंग, मोंगमोंग को भी देखना है। प्रोटीन वगैरह होगी, कुछ स्किन केयर का सामान है। यार ये कितना सुंदर है, मैं इसको खोलू कैसे? इसको खोलते हैं, क्योंकि मैंने कोरिया में स्किन केयर मॉडलिंग करी है तो उसकी वजह से मुझे ये सारे मस्त मस्त स्किन केयर और मेकअप की चीजें आती रहती हैं। और जिस कंपनी के लिए मैंने स्किन केयर मॉडलिंग करी ना वो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस भी आते हैं। तो देखो, ओह माय गॉड, सो मेनी थिंग्स, यार कितना मजा आएगा, यार कितना अच्छा लगता है जब फ्री फंडे में चीजें आती हैं। और यहाँ पर ही अलग अलग लिप टिंट या लिपस्टिक पता नहीं कुछ है, लिप पर लगाने के लिए कुछ चीज है। मोमो तो यहाँ पर ऊपर क्या कर रहा है? मोमो तो इधर आ। You want this? You go chukka? Yes, you want this? Okay, there you, ruk ruk ruk. Mongmong, to ruk to sir, isko kholne to de. Khana isko mongmong? Usse jeep kyun nikal rahe bahar bar bar? Ye yummy hai mongmong. Ye le kha le. Okay. Ye jo mongmong kha rahe hai na, wo real meat nahi hai. Jo sweet potato hota hai na, wo wala hai. So guys, आज के सिर्फ इतना ही, होप कि आपको आज का भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज बहुत सारे कमेंट्स करना, बहुत सारा प्यार भेजना, क्योंकि अभी है ना मोमों के अलावा और कोई नहीं है मेरा यहाँ पर, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़कर थोड़ा यू नो खुश हो जाऊंगी, थोड़ा कम लोनली फील करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं थोड़ा खुश रहना हूँ, अलव यू गाइस, बाय। मोमो बाय कर दे, बाय।